और ये देखिए दोस्तों कितनी क्रिस्पी फूली फूली आटे की पूरी बनकर तैयार हुई है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आटे की फूली फूली क्रिस्पी पूरी बनाकर तैयार करेंगे और इसके साथ हम पानी और मसाला भी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बहुत ही चटपटी आटे की पानी पूरी बनाकर हम तैयार करते हैं। तो पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप मोटी वाली सूजी। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें डालना है गर्म पानी, तो मैंने यहाँ पे आधा कप गर्म पानी लिया है। तो पानी इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पानी हल्का गर्म है तो इसे हाथ से मिक्स ना करें, स्पून से मिक्स कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे। तो और ये ठंडा हो गया है तो इसे हम हाथ से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार करेंगे। तो डो हमें सख्त डो तैयार करना है, सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है। डो तैयार हो गया है और मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया था, तो इसमें से मैंने आधा कप पानी में थोड़ा सा पानी यूज किया है और थोड़ा सा पानी बच गया है। तो इसे हम गीले कपड़े से ढक देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे ताकि सूजी जो है वो फूल जाए और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटा को भी रखे हुए 15 मिनट हो गया है और आटा सेट हो गया है। तो पहले हम आटा को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मसलते हुए हम सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे ताकि रोल करने में आसानी हो जाए। तो इसे हम रोल करके कट करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे हाथों से भी छोटे छोटे लोई तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे, छोटे छोटे साइज में हम इसे कट करेंगे। इसे हमें गीले कपड़ों से ढक कर रखना है ताकि ये आटा सूखे नहीं। अब एक लोई ले लें, इसे पेड़े का आकार में बना के बेल लें। तो इसे हम बहुत ज़्यादा न मोटा बेलेंगे और न ज़्यादा पतला। देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो पूरी आपकी मोटी होगी और ज़्यादा पतला बेलेंगे तो ये अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। अब एक प्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक के ऊपर इसे रखें। प्लास्टिक के इसे ऊपर रख के इसे गीले कपड़ों से ढकना बहुत ज़रूरी है। ये आटा सूखनी नहीं चाहिए, फिर पूरी अच्छी तरह से नहीं फूलेगी। तो इस तरह से प्लास्टिक के ऊपर रख के इसे हम गीले कपड़ों से ढक देंगे। तो सभी पूरियों को इसी तरह से बेल के और गीले कपड़े से ढक दें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सभी पूरियों को बेल लिया है और गीले कपड़े से ढक कर रखी हूँ ताकि ये सूखे नहीं। अब पूरी ले और नीचे वाले साइज को हम ऊपर रखेंगे और तेल में जब हम डालेंगे इसे तो ये ऊपर रहनी चाहिए। नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ डालते हुए हम गिराएंगे। एक एक करके हम इसमें पूरी डालते जाएंगे और देख सकते हैं आप कि पूरी कितने अच्छे तरीके से फूल रहा है। तो ध्यान रखें कि तेल को हमें बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं रखना है, धुआं नहीं निकलना चाहिए तेल से, बस तेल गर्म रहनी चाहिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पे आप सारे पूरियों को तलें। अगर गैस का फ्लेम आप लो रखेंगे तो तेल पूरी जो है वो ज़्यादा तेल पी लेगा और ज़्यादा हाई रखेंगे तो पूरी आपकी सॉफ्ट बनेगी। तो इसीलिए गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रख कर दें। और देखिए अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ गया है, तो हम पूरियों को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आप सारे पूरियों को तल के निकाल लें। पूरियां बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसके पानी बनाकर तैयार करेंगे। तो पानी बनाने के लिए आधा कप पुदीना पत्ता, 1 कप धनिया पत्ता, 2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो। अब इसमें हम आधा कप पानी डाल के इसे हम पीस लेंगे और यहाँ मैंने इसे पीस लिया है। इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पानी, तो मैंने यहाँ पे 3 कप पानी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, तो 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 पैकेट मैंने यहाँ जलजीरा पाउडर ले लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं।
एक चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला पाउडर। अब मिक्स कर लेंगे। अब इसे छान लें। इस मसाले को आप आलू के मसाले में भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प। अगर आप गाढ़ा इमली का पल्प ले रहे हैं तो इसमें 2 से 3 चम्मच डालें। इमली के पल्प के जगह पे आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे प्लेन बूंदी, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मिक्स कर लेंगे तो पानी भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 3 उबले हुए आलू, इसे मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला या अमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच सादा नमक, 1/2 कटा हुआ प्याज, 3 से 4 चम्मच बॉयल किया हुआ काला चना। आप इसमें पीली वाली भी मटर डाल सकते हैं बॉयल करके। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 2-3 चम्मच इसमें हम पानी जो बनाकर तैयार किए वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आलू का मसाला भी बनकर रेडी हो गया है। और ये लीजिए, आटे की फूली फूली क्रिस्पी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। पानी और मसाले भी बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई है। बहुत ही चटपटी, खट्टी, तीखी पानी पूरी बनकर तैयार हुआ है। देखते ही मुँह में पानी आ जाए। तो इस रेसिपी को आप भी बनाकर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।